हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल फ्री एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम इस बढ़िया लेडी पाम का एनालिसिस करेंगे, अपनी सेगमेंट को बढ़ाते हुए, अपनी पाम रीडिंग की श्रृंखला को बढ़ाते हुए इस बढ़िया लेडी पाम का एनालाइज करेंगे और इसके क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। पहले मैं बता दूँ, ये पाकिस्तान से, इनकी एज 28 ईयर्स है, ये गवर्नमेंट जॉब में है। इनका क्वेश्चन है कि क्या इनके लाइफ में ये कभी बिजनेस कर पाएंगे और इनके फॉरेन सेटलमेंट का क्या योग आ रहा है, और सारा कुछ इनके पाम से हम देखेंगे और इनके क्वेश्चन का आंसर करते हुए इनके पाम में जो भी अच्छी बातें हैं वो आप लोग को शेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या अच्छी बातें, क्या पॉजिटिव बातें और क्या नेगेटिव बातें। सबसे पहले जो इस पाम को देखें तो सबसे पहली जो अच्छी बात इस पाम पे है वो इसकी कलर, बहुत बढ़िया कलर है इसकी, एकदम पिंक कलर, एकदम गुलाबी कलर। सारे माउंट को आप देखें, सारे माउंट पर आपको फील होगा कि एकदम से गुलाबी कलर है। तो ऐसे में ये तो बहुत अच्छा इंडिकेशन है, सबसे पहला इंडिकेशन मनी मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, डेडिकेशन के लिए, ये बहुत बढ़िया इंडिकेशन है। दूसरी चीज़ जो इनका पाम का सेप, इनका पाम का सेप जो है रेक्टेंगल सेप है, बहुत बढ़िया रेक्टेंगल सेप का इनका पाम है। तो वैसे में ऐसे इंसान में देखा गया है कि इनको कोई भी कार्य आप करने दे दो, कोई भी कार्य दे दो, इनके क्षेत्र का नहीं भी हो फिर भी उस काम में वो करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। आपको ज़रा भी बिलीव नहीं होगा कि ये इस क्षेत्र की नहीं है, मतलब अच्छी खासी टैलेंटेड पर्सनालिटी और एक अच्छी खासी ज़िद रहती है ऐसे लोगों में कोई भी कार्य को करने हेतु, ठीक है। उसके बाद हम इस पाम को देखें तो इस पाम में उसके बाद जो नज़र जाती है वो इनके फिंगर पे जाती है, तो सारी फिंगर एकदम स्ट्रेट है, एकदम सीधी है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि सारे माउंट की क्वालिटी, जुपिटेरियन, आपका सैटर्न, सन एंड मरकरी, सबकी क्वालिटी अच्छी रहती है इनके जीवन में, क्योंकि खड़ी सीधी लाइन है तो वो बिना किसी दोष की होती है। अगर फिंगर सीधी हो तो वो बिना किसी दोष की होती है। तो वैसे में यही एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इनके पाम पे कि इनके सारे ग्रहों का फल इनके जीवन में अच्छा आएगा, वो हम और आगे देखेंगे कि और फिंगर इनकी क्या क्या कह रही है वो हम देखते हैं। जुपिटर फिंगर थोड़ा सा सैटर्न से दूर जा रहा है और सन फिंगर सैटर्न के पास जा रहा है, तो वैसे में क्या इंडिकेशन रहता है? तो ऐसा मैं देखा गया अपने एक्सपीरियंस के तहत बता रहा हूँ कि अगर जुपिटर फिंगर थोड़ा दूर जाए, जैसे इनके पाम में आप देखें थोड़ा सा दूर जाए, तो वैसे इंसान एक नॉर्मल तबके के परिवार में जन्म लेते हैं और वो बहुत नेम एंड फेम कमाते हैं और उनके नेम फेम से उनके फैमिली को भी जाना जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है और जिनके भी पाम पे हो वो एक बहुत अच्छी इंडिकेशन रहती है। उसके बाद सैटर्न फिंगर एकदम खड़ी सीधी है, तो वो भी एक मेहनत का स्वभाव दिखा रहा है, इनका नेचर मेहनत कश होगा, अच्छा सोच होगा, मतलब एक अच्छा खासा सोच रखती होंगी लोगों के प्रति, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। सन फिंगर भी हल्का बैंड कर रहा है तो सन की क्वालिटी अच्छी खासी रहेगी, मेहनती तो बनाएगा श्योर है। उसके बाद इनका काम भी अच्छे खासे इजी तरह से होते चला जाएगा। फिर जो जुपिटर है, जुपिटर फिंगर और सन फिंगर थोड़ा बड़ा है, जुपिटर फिंगर थोड़ा छोटा रह रहा है, तो वैसे में सन की क्वालिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, नेम एंड फेम इनके ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा खासा मिलता है। बहुत बड़े बड़े लोगों के पाम पे देखा गया है कि उनकी जुपिटर फिंगर छोटी रहती है और सन फिंगर बड़ा रहता है, तो वो भी एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन है। हमने बहुत सेलिब्रिटी का हाथ, आप जाके गूगल कर लो, गूगल पर देखो तो बहुत लगभग सेलिब्रिटी के हाथ में आपको जो कामयाब हैं उनके पाम पे आपको दिखेगा, क्योंकि जुपिटर फिंगर छोटी ही रह रही है सन फिंगर, क्योंकि नेम एंड फेम दोनों के लिए सन बहुत अच्छा प्लेनेट है और जाना जाता है, वो उनको प्रोवाइड करवाता है, वो देता है, ठीक है। उसके बाद जो इनके पाम पर है वो आप देखें, इनके जो मरकरी फिंगर है वो छोटी रह रही है फर्स्ट फैलेंस से, तो ऐसे में थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, हो सकता है कि अपने विचार को ठीक तरह से व्यक्त ना कर पाएँ, कुछ विचार अपने अंदर ही रह जाएँ, तो ये थोड़ी बहुत क्वालिटी देखा गया है ऐसे में कि वैसे में उनके जीवन में मरकरी की क्वालिटी जो रहती है, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, फिर आप कह सकती हो कि थोड़ी बहुत लापरवाही वाली नेचर ऐसे लोगों में देखा ज़रूर गया है, वो ये थोड़ी बहुत तो ये परेशान इनको करेगा। तो मैं बताऊं कि ये इस चीज़ पर सुधार करे तो वो भी ठीक हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है लोगों में कि ऐसा होता है। फिर इनके पाम का माउंट को देखें,
तो इनके माउंट में जुपिटर को अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया, जुपिटर का कलर बहुत बढ़िया है, लेकिन जुपिटर का माउंट यहाँ से धसा हुआ है, यहाँ से उठा हुआ है। तो वैसे में देखा गया फैमिली परेशान, फैमिली समस्या, पारिवारिक समस्या ऐसे लोगों के जीवन में देखने को मिलती है। तो ये एक थोड़ा सा बैड है, जुपिटर थोड़ा सा मतलब धंसा हुआ है, लेकिन इंडिकेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है जुपिटर पर। अगर आप ठीक से देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बहुत अच्छा फिश का इंडिकेशन बना हुआ है इनके जुपिटर पर, जो कि एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन है इनके पाम पर, इनके जुपिटर पर। ये इनको जीवन में कामयाबी ज़रूर दिलाएगा, नो डाउट दिलाएगा। सॉरी, ये देखिए इनका जो फिश है, ये देखिए, ये यहाँ से एक फिश आपको दिख रहा है, ये बहुत बढ़िया फिश है। ऐसे में लोग एजुकेशन लाइन, शिक्षा डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा तरक्की करते हैं और काफ़ी अच्छा नाम करते हैं। इस ऐसे जुपिटर वाले को देखा गया है कि ऐसे जुपिटर वाले जॉब में ही रहते हैं, उनके लाइफ में बिजनेस थोड़ा सा मतलब परेशानी भरा रहता है, क्योंकि ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, वो भावनाओं में बह जाते हैं और भावनाओं में बह के कोई भी बिजनेस नहीं होता। तो वैसे में ऐसे लोग, मेरा सजेशन रहेगा ऐसे जुपिटर वाले इंसान बिजनेस की तरफ ना जाके ऐसे इंसान जॉब में ही रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम देखें तो इनके सैटर्न, सैटर्न भी इनका काफ़ी अच्छा खासा उठा हुआ है। तो ऐसे में एक मेहनत तो दिख ही रहा है, चाह तो दिख ही रही है कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा कर गुजरने की। तो ऐसे सैटर्न वाले जो इंसान रहते हैं वो लोग अगर किसी वस्तु का बिज़नेस करे, जैसे लोहा का बिज़नेस करे या फिर लोहा से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस करे, तो वैसे लोग के यहाँ देखा गया है जीवन में सक्सेस मिलता है। तो यहाँ से एक बिज़नेस का एक योग आ रहा है, तो इनके मन में एक सोच भी है कि मैं बिज़नेस करूँ। तो पहले आप ऐसा करो ना, पहले आप एक बिज़नेस छोटा सा करके देख लो, और वो आपके जीवन में अगर बहुत तरक्की दिलवाए तो आप उसको आगे ले जाना, आप उसको आगे करना। मेरे समझ से बिज़नेस से बेटर जॉब रहेगा, और आगे आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बुरी बात, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है कि आप ना करो, आपको बहुत नुकसान लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिज़नेस आप कर सकती हो लेकिन जॉब ज़्यादा बेटर है। फिर इनके जो सूर्य हैं, इनके सूर्य को देखिए, ये सूर्य का अमाउंट भी उठा हुआ है। तो वैसे में इंसान में सूर्य की क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी रहती है, वैसे लोग सूर्य से रिलेटेड जैसे नेम एंड फेम उनके जीवन में अच्छा खासा उनको मिलता है। तो ऐसे में सूर्य तो काफ़ी स्ट्रांग है इनका। अब इनके सूर्य पर इंडिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये आप देख लो, एक जो लाइन गई, ये सूर्य रेखा यहाँ गई, एक देखे यहाँ से बहुत बड़ा मछली का फॉर्मेशन है। ये इनको 41 साल के एज में कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर शुरू करवाएगा, चाहे बिजनेस से हो या फिर इनके कार्य क्षेत्र, जो इस कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं उनमें हो सकता है बहुत बड़ी तरक्की दिलवाए, जो इनको नेम एंड फेम एंड पैसा जीवन में बहुत आएगा। इनका एक्टिवेशन पीरियड इनका 41 वर्ष है। उसके बाद आप देख लो, एक सूर्य एकदम यहाँ से सूर्य लाइन, सॉरी एक सूर्य लाइन यहाँ से आई, यहाँ पर आके लक लाइन में अटैच हो गई। तो वैसे में ऐसे सूर्य लाइन में लाइफ के इस फेज़ में इनको तरक्की ज़रूर मिलेगी। इनका एज यहाँ दर्शाया 37 एज में इनको तरक्की, 35-37 में इनको ज़रूर तरक्की मिलेगी, कोई ना कोई भाग्य से रिलेटेड तरक्की आएगी और ये अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इनका बुध जो है, बुध भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो बुध की क्वालिटी तो रहेगी ही जीवन में। थोड़ा फिंगर छोटा है तो उनके कुछ इफेक्ट तो आएंगे, बट बुध की क्वालिटी भी अच्छी है। लेकिन माउंट कितना उठा हुआ है, आप देखो कितना उठा हुआ माउंट है इनका, और एक दो तीन खड़ी लाइनें भी इनके बुध माउंट पे, तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है। मनी मैनेजमेंट में पैसे के, पैसे मनी लाइन ही इसको हम कहते हैं, और ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन है इनके हाथ में, इनके जीवन में अच्छी खासी पैसे की आगमन रहेगी। इसमें निसंदेह इनके जीवन में अच्छी खासी पैसे की आगमन रहेगी। फिर इनका जो मंगल है, मार्स जो है अपर एंड लोअर, मंगल थोड़ा वीक है, थोड़ी एनर्जी की कमी रह सकती है। ऐसे मंगल में देखा गया है तो माता को कष्ट, और वो माता को कष्ट भी हो सकता है, हेल्थ भी उनका ठीक नहीं रहता होगा। और ऐसे लोगों का हेल्थ समय समय पर थोड़ा बहुत ख़राब तो रहता ही रहता है, कमज़ोरी तो फील होती है थोड़ी बहुत, किसी ना किसी कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है जिनसे ऐसे लोग परेशान रहे, उनके जीवन रेखे पर भी वैसा, रेखा पर भी वैसा इंडिकेशन है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कहाँ पर वो इंडिकेशन है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इनके जो मून पर्वत को, मून पर्वत जो है इनके माँ चंद्रमा का पर्वत जो, वो काफ़ी अच्छा है, हाथ थोड़ा बैठ करके लिया गया है, ऐसे पर्वत बहुत स्ट्रांग है। फॉरेन के जो योग जो है वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इनके हाथ पे, तो इनका क्वेश्चन भी था फॉरेन से रिलेटेड, तो ज़रूर बहुत अच्छा रहेगा फॉरेन से,
फॉरेन का ट्रिप इनके लिए, और इनके लाइफ में एक तो परमानेंट लाइन एकदम से जाके भाग्य रेखा को अटैच कर गई, वो इनका एज जो है वो 32 से 35 के बीच में इनका फॉरेन ट्रिप का बहुत अच्छा खासा योग आ रहा है इनके जीवन में। बहुत सारी लाइनें सपोर्ट कर रही है फॉरेन ट्रिप से रिलेटेड। देखिए आप, एक इनके जो पाम पर लक लाइन से एक मछली का फॉर्मेशन हुआ है, या वो भी एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन है। लक लाइन पे मछली बने, उनका डायरेक्शन एकदम सनी पड़े, तो वैसे लोग नेम फेम कमाते हैं, कोई भी कार्य में पैसे भी अच्छे खासे रहते हैं उनके पास, तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अब इनके लक लाइन को देखें तो इनका लक लाइन जो है, इनका लक लाइन एकदम से यहाँ से चला, सॉरी लक लाइन यहाँ से चला, एकदम शनि पर्वत पे आया, बहुत बढ़िया लक लाइन है। और इनके पाम में अगर आप ठीक से देखें तो ये एक लाइन जो है यहाँ पर लक लाइन को अटैच की, ये भी 101% फॉरेन सेटलमेंट का लाइन है, ये भी इनको फॉरेन में ज़रूर से ले जाएगा, अगर संभव हो तो सेटलमेंट का भी अच्छा खासा योग आ रहा है। सेटलमेंट नहीं भी करे तो फॉरेन जाने का योग तो बहुत ही बढ़िया है इनके पाम पे। उसके बाद इनके लक लाइन को देखें तो एकदम लास्ट पीरियड में लक लाइन में देखिए एक दो, ये यहाँ पर एक मछली का फॉर्मेशन है, एक यहाँ पर मेरे को जैसा लग रहा है इनका पाम देख के, एक मछली का काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन है। तो ये भी इनका एक्टिवेशन पीरियड 48 ईयर में इनको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी किसी भी कार्य में। हो सकता है कि इनका बिजनेस हो, ज़रूर हो, स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानी हो बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में, बट बिज़नेस अगर ये करेंगे तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ एक इंडिकेशन थोड़े से वीक थे, बट अदर अगर देखा जाए तो बिज़नेस के और पैसे के तो काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस हैं हाथ पे पाम पे, तो ये बिज़नेस कर सकती हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बिज़नेस कर सकती हैं, ठीक है। और जॉब भी करेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा तरीके का योग है इनका। अब इनके जीवन रेखा को हम देखें तो यहाँ देखें, इनके स्टार्टिंग लाइफ में प्रॉब्लम तो है, इनके जीवन रेखा में बहुत ज़्यादा आइसलैंड का फॉर्मेशन है ये आप देखें यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो हेल्थ तो इनकी ख़राब रहेगी 29 to 31 तक, थोड़ी बहुत तो परेशानी है, फिर उसका थोड़ा ठीक चलेगी, स्मूथ चलेगी, फिर इनका जो हेल्थ होगा वो 40 से लेके 45 के बीच में थोड़ा बहुत परेशान करेगा, तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी परेशानी तो इनको आएगी। लेकिन आप देखें तो जहाँ जहाँ मेजर समस्याओं की बात थी तो वहाँ पर एक दो प्रोग्रेस था इनके हाथ में बहुत अच्छी है, तो उस द्वीप के इफेक्ट को थोड़ा बहुत कम करेंगे तो हेल्थ ख़राब होगा फिर ठीक हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई मेजर परेशानी नहीं होगी। तो प्रोग्रेस था ये नहीं रहता तो फिर परेशानी थी। एक बार जो एक द्वीप है यहाँ आइसलैंड, यहाँ देखिए ये आइसलैंड जो है, उसके बाद जो एक प्रोग्रेस एकदम सीधी करी हो गई, ये तो इनको एकदम से 40 के एज में 40 के बाद तो बहुत अच्छे इंडिकेशन है इनके लाइफ पे, 40 के एज में इनको बहुत बड़ा प्रोग्रेस दिलवाएगा, उसके बाद से एकदम से इनका जो ये लाइन है एकदम स्मूथ चला है उसके बाद लाइन जीवन रेखा। तो 40 में एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस 40 के बाद और उसके बाद एकदम स्मूथली, मतलब बैठे बैठाए खाने का योग है, बहुत बढ़िया योग है, बहुत बढ़िया। अब हम इनके शुक्र को देखेंगे तो शुक्र जो है इनका बहुत अच्छा खासा स्पेस लिए हुए है, तो ये भी एक बहुत अच्छी खासी इंडिकेशन है लग्जरी लाइफ बिताने का। ये आर्टिस्ट होंगे, जैसे आप बहुत सेलिब्रिटी का देखो तो सबका शुक्र आपको बहुत बढ़िया दिखेगा, इनमें आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होंगे, सिंगिंग डांसिंग एक्सेट्रा, तो इनमें ये आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी खासी रहेंगे, इनको इंटरेस्ट भी होगा, चमक धमक के पीछे काफ़ी इंटरेस्ट होगा, ये मॉडलिंग करना कर सकते हैं, ये चाहेंगे, एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी भी दिख रही है इनकी, बहुत अच्छी खासी पर्सनैलिटी, ब्राइट पर्सनैलिटी, मतलब एक बोल्ड पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिख रही है इनमें। और ये शुक्र इतना इनको लग्जरी का सुख देगा, सुख में कोई बैड इंडिकेशन नहीं है, बहुत खड़ी लाइनें हैं, ये वर्टिकल लाइन इंडिकेट करती हैं कि इंसान के जीवन पैसे की आगमन अच्छी खासी रहेगी, लग्जरी लाइफ का सुख उनको बहुत अच्छा खासा मिलेगा। थंब पर आप देखिए तो थंब इनका वैसा कोई बहुत खास स्ट्रांग नहीं है, लेकिन नीचे का पार्ट स्ट्रांग है, तो वैसे में इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। व्हील पावर थोड़ी सी घबराहट रह सकती है, और थंब पर भी ये आप देखें तो ये थोड़ी बहुत जो है वो दिख रही हैं आपको, लाइनें दिख रही हैं, तो वो अच्छा इंडिकेशन नहीं माना जाता हमारे समझ से, तो थोड़ी व्हील पावर में थोड़ी कमज़ोरी दिख सकती है, हो सकता है कि कुछ अगर छोटा हो तो उनको ये बड़ा बना ले कि ये बड़ा क्या हो गया मेरे को, ये तो थोड़ी बहुत डर एक टाइप की रहेगी। तो ये थंब पे थोड़ा सा मतलब है बैड इंडिकेशन, लेकिन ये जो नीचे का पार्ट है ये बहुत बढ़िया है, तो ऐसे में इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट डेडिकेट ये रहता है, तो ये बहुत बढ़िया इंडिकेशन है इस टाइप का पाम पे इस टाइप के थंब। उसके बाद हम देखें तो ये देखिए मंगल लाइन इनके पाम पे एक खड़ी है, ये आपको मंगल लाइन दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये जो मंगल लाइन है इनके पाम पर, ये एकदम सीधी खड़ी मंगल लाइन है, तो ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन है इनके पाम पर,
ये मंगल लाइन रहने से होता है ना कि इंसान के जीवन में जो भी खतरा आने को है, देखिए सबके इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, वो तो श्योर है, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे मंगल रेखा उस प्रॉब्लम से बचाते हैं वैसे इंसान को, तो वैसे में इनकी लाइफ में एक बचाव की भी लाइन मंगल को, हम मंगल रेखा को मान सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो मेजर ना होकर माइनर में रह जाए, वो उसका बचाव करेंगे, इनके जीवन में जो मुसीबत आनी है वो जितनी आनी है उतनी से कम आएंगी। तो ये एक अच्छा रहता है, बहुत नसीब वालों को मंगल रेखा हाथ में मिलती है, पाई जाती है, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। तो इनके क्वेश्चन का आंसर करते हुए हम कहेंगे कि देखिए फॉरेन का ट्रिप तो इनका है 100% श्योर, और बिजनेस भी ये कर सकती हैं, और पैसे की इंडिकेशन तो काफ़ी अच्छी खासी है। आई होप हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, धन्यवाद।